हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T3X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन का वाईफाई जो है कनेक्टेड होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में आपको आना है तो आपको नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको जो ना नीचे की साइड आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहां पर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है मेटा सर्विस, इसे टैप करना है। इसके अंदर भी आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहां पर भी क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। अब यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपके सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।